News 18, India. नमस्कार, देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। बड़ी खबर हल्द्वानी, हिंसा से जुड़ी हुई जो मिल रही है वो आपको बता देते हैं। हिंसा को लेकर मौलाना तौकी रजा ने भड़काऊ बयान दिया है। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल यानी कि IMC के प्रमुख है मौलाना तौकी रजा। कहा है उन्होंने कि हम किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मौलाना ने कहा है कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम जान लेने से भी नहीं चुकेंगे। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तौकीर रजा का ये विवादित बयान, हमला अगर हुआ तो जान ले लेंगे, जान लेने से भी नहीं चुकेंगे। हल्द्वानी हिंसा और उसके बाद मौलाना तौकीर रजा का ये भड़काने वाला बयान अब सामने आया है। बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम बंदे और बहरे बने बैठे रहेंगे। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें, यह हमें कानूनी अधिकार है। और वही हल्द्वानी हिंसा के बाद प्रशासन पूरे एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। CCTV फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की तलाश की जा रही है। गायों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो हमारे देश का कानून है उसको बहाल किया जाएगा। आज चीफ सेक्रेटरी मैडम और हमने सारी समीक्षा की है, अस्पताल गए, वहाँ जो लोग घायल एडमिट हुए हैं उनका हालचाल पूछा गया और अभी यहाँ थाने पे आके डैमेज हमने एसेस किया है। तो अभी स्थिति थोड़ा तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। और हमने DMSP के साथ और ADG लॉ एंड ऑर्डर, हम सब लोगों ने मीटिंग कर ली है और मुझे विश्वास है जल्दी ही शांति व्यवस्था को बहाल करने के लिए और इस उपद्रव के पीछे जो भी शरारती तत्व थे, एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त। और हल्द्वानी में जिस जगह पर हिंसा हुई उसी इलाके में कई ऐसी चीजें कैमरे में कैद हुई हैं जो कि हिंसा की साजिश से सीधे सीधे जुड़ी हैं। आपको न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। पूरे इलाके में कर्फ्यू है, मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कर्फ्यू की। देखिए ये पूरी गली है जहां से भीड़ आई थी, इन गलियों में अब सन्नाटा पसरा हुआ है। दूर आपको एक पुलिस की वैन दिखाई देगी जो वहां से अनाउंस करते हुए आ रही है कि लोग अपने घरों के अंदर रहें। और ये पूरी गली जहां पर सबसे ज्यादा हुजूम था, ये बताया जा रहा है कि यहां पर लोग ऊपर से पत्थर मार रहे थे, अब वो हुजूम यहां पर गायब है क्योंकि कर्फ्यू की जो स्थिति है वो यहां पर बरकरार है। और इसी वजह से इसके आसपास की इसी तरह में जो जितनी भी गलियां हैं वो सब सन्नाटे में है क्योंकि इलाके में कर्फ्यू है। इंटरनेट सेवाओं को बाधित रखा गया है ताकि लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करें, गलत तरीके से किसी भी अफवाह को पनपने न दें। और इसीलिए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो लोग, जो उपद्रवी इस पूरे मकसद के पीछे कामयाब हुए थे उनकी पहचान की जा सके। लेकिन उससे पहले की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर दिख रही। तो ये जो जली हुई गाड़ियां हैं और वहां पर ये जो सबूत सारे हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि किस तरह से वहां पर हिंसा की गई है। आप देखिए पेट्रोल बम फेंकता हुआ यहां पर उपद्रवी इस तस्वीर में पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। अब प्रशासन का भी ये कह रहा है कि पुलिस की टीम के ऊपर हमला ये जो किया गया था ये पूरी बाकायदा एक साजिश थी। अब इन्हीं उपद्रवियों को, ये जो आपको इन फुटेज में दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं की तलाश अभी इस वक्त की जा रही है। पेट्रोल बम का इस्तेमाल, मतलब प्लानिंग पहले से रही होगी इन लोगों की जरूर। और अब ये जो हिंसा की साजिश हल्द्वानी के अंदर रची गई थी, इन्हीं लोगों को, उपद्रवियों को पकड़ने के लिए जो पुलिस की टीम है वो इस वक्त लगी हुई है। और जिस वक्त वो हिंसा हुई उसके बाद की ये तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, कैसे वहां पर आगजनी की गई, किस तरह से हिंसा वहां पर भड़काई गई और कैसे, चाहे वहां पर बाइक थी, गाड़ियां थी, पुलिस की टीम का कोई शख्स था, सब कुछ आग के हवाले कर दिया गया। और अब तो प्रशासन भी इस बात को मान रहा है कि ये जानलेवा हमला था, बाकायदा ये साजिश थी कि जितने भी वहां पर अधिकारी पहुंचे हुए थे, पुलिसकर्मी पहुंचे हुए थे, जो भी कार्रवाई करने के लिए वहां टीम पहुंची हुई थी, उन सभी के ऊपर ये जानलेवा हमला किया गया था। किस तरह से दंगाइयों ने वहां पर कोहराम मचाया, इन तस्वीरों में साफ तौर पर वो दिखाई दे रहा है। और अब एक एक उपद्रवी की पहचान की जाएगी, ये प्रशासन की ओर से, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। और अब इन्हीं उपद्रवियों को पहचानने का काम भी किया जा रहा है क्योंकि ये जो वीडियो फुटेज है ये प्रशासन की तरफ से ही जारी किया गया है ताकि लोग ये समझ सकें कि कैसे पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ हिंसा भड़काने की कोशिश की गई थी। और जबकि ये फुटेज प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है तो इन तस्वीरों में जो लोग दिखाई दे रहे हैं उन्हें पकड़ने की भी जरूर इस वक्त कवायद हो रही होगी, इन चेहरों को पहचानने की कोशिश की जा रही होगी। न सिर्फ पत्थर फेंका गया, इन तस्वीरों में पत्थर फेंकते तो आपको उपद्रवी दिखाई दे रहे हैं लेकिन पेट्रोल बम तक का इस्तेमाल किया गया। और जाहिर सी बात है वो पहले से तैयार करके रखा गया होगा कि अगर ऐसी स्थिति आती है और अगर प्रशासन वहां पर पहुंचता है, बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो फिर जवाब ऐसे ही दिया जाएगा।
उसी से जुड़ी हुई ये सारी तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया इस वक्त आपको दिखा रहा है। दीपक बिष्ट ने आपको ग्राउंड जीरो की तस्वीर भी दिखाई कि जब वहां पर थोड़ी हिंसा ठंडी हुई तो उसके बाद भी कैसे बाइक जल रही थी, मोटरसाइकिल जल रही थी, गाड़ियां वहां पर जल रही थी। न्यूज 18 इंडिया के दीपक बिष्ट इस वक्त मेरे साथ जुड़ भी रहे, उनका मैं सीधा रुख कर लेती हूँ। दीपक, अभी के जो हालात है पहले उसके बारे में भी जरा बताइए, सब कुछ कंट्रोल में अब? देखिए, आज का जो दिन है वो अभी तक कंट्रोल में कहा जाएगा, क्योंकि आज सुबह से, आज शुक्रवार था, जो जुमे की नमाज होती है वो अदा की जाती है, लेकिन पूरा जो रूट था वो पूरी तरह से कर्फ्यू वाला नजर आया। और अभी भी मेरे पीछे की तस्वीर दिखाई देगी आपको, पुलिसकर्मी सादी वर्दी में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उनके अलावा और यहाँ पर कोई भी नहीं है, ना ही कोई निकल सकता है, क्योंकि कर्फ्यू घोषित इलाका है। और मनबुलपुरा में जिस तरह से थाने को जलाने की कवायद कहे, या फिर वहां जलाने की, या फिर मारपीट और पथराव करने की, ये सब जो जो यहाँ पर मनबुलपुरा इलाका है उसके आसपास का एरिया में हुआ था, और इसके बाद से ही आज की स्थिति अभी तक सामान्य बनी हुई है। और ऐसे में लेकिन जो लोग हैं, कुछ परेशानियां उनको हो सकती है, क्योंकि जो प्रशासन ने अस्पताल और मेडिकल सुविधाओं को देने की बात कही थी, उसके अलावा यहाँ पर कुछ ऐसी और दूसरी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन लोग जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसी सुविधाएं दें, जो बच्चों को दूध की जरूरत है वो यहाँ पर वो चाहते हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई रिलीफ नहीं दिया गया है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि एक दिन और यहाँ पर कर्फ्यू इसी तरह से रहेगा। मौत का आंकड़ा क्या आधिकारिक पर पुष्टि उसकी कर दी गई है? देखिए, मौत के आंकड़े को लेकर सुबह भी बड़ा कंफ्यूजन था प्रशासन और पुलिस में, क्योंकि दो मौतें पहले बताई गई थी, उसके बाद चार मौत की बात की गई थी। अभी भी मौत का जो आंकड़ा है वो दो में ही टिका हुआ है। प्रशासन का कहना है कि जब तक क्लेरिफिकेशन नहीं आता, हॉस्पिटल से रिपोर्ट नहीं आती, वो पूरी तरह से अभी क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन दो मौत अब तक हुई है। ये दो लोग कौन है इनके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। वहीं एक युवक जो अजय है उसको गोली लगी है, जो इसी रूट से जा रहा था, और उसकी जो गोली जो जब उसे लगी थी, दंगाइयों ने उसे गोली मारी थी, तो उस वक्त वो अपनी माँ के लिए दवाई लेने जा रहा था, तो वो भी यहाँ पर पुलिस की नोटेड डायरी में है, और कई ऐसे लोगों को पुलिस तलाश रही है जो इस उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे। ठीक है, इसके अलावा जरा ये भी बताइए, क्योंकि जो फुटेज है हिंसा के वक्त का वो रात का है, तो उसमें बहुत साफ तौर पर चेहरे तो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन उपद्रवियों की पहचान के लिए अभी क्या पहल की गई है? देखिए, पुलिस के लिए काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ है इस पूरे केस में, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा इंसिडेंट, जिस तरीके से पूरी साजिश रची गई थी, उस दौरान कितने लोग वहां पर मौजूद थे उसका फुटेज पुलिस के पास है। उसके अलावा पुलिस ने जो फुटेज दिखाया है उसमें साफ तौर पर ये मान लिया जा सकता है कि इन्वेस्टिगेशन अगर होगी, जांच होगी, तो इन लोगों को डिटेन किया जाएगा, और ये वो लोग हैं जो विरोध कर रहे थे। विरोध करने का जो उनका तरीका था बिल्कुल गलत था, उनकी आड़ में दंगाई पहुंचे, उपद्रवियों ने उपद्रव किया, तो पुलिस को अब इन फुटेज के आधार पर जांच आगे बढ़ानी है। उनका कहना है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि जो लोग इसमें शामिल थे, क्योंकि जानबूझकर साजिशन इस पूरी घटना को प्लान किया गया था, और इसके अलावा इसमें कई ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं जिन्होंने इसे यहाँ पर फंड किया हो, या फिर कुछ इस तरह की चीजें जो सामने आएंगी वो सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा। तो लेकिन इन्वेस्टिगेशन शुरू है, उन्हें भी जरूर तलाशा जाएगा, प्रशासन और सरकार की तरफ से कह दिया गया। दीपक आगे आपके पास लौटेंगे, लेकिन बड़ी खबर इसी बीच जो मिल रही है वो दर्शकों को पहले बता दें, हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी हुई ये भी बड़ी खबर, उपद्रवियों पर एनएसए लगाने की तैयारी में अब उत्तराखंड सरकार है, ये बहुत बड़ी खबर। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि एनएसए लगाया जाएगा उपद्रवियों के ऊपर, तो कितने सख्त एक्शन की तैयारी की जा रही है प्रशासन की तरफ से वो इससे समझा जा सकता है। अब एनएसए के तहत इन उपद्रवियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ये बहुत बड़ी खबर हल्द्वानी हिंसा मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। जब उपद्रवियों के ऊपर एनएसए लगाने की तैयारी की जा रही है, आगे की कार्रवाई एनएसए के तहत की जाएगी। उस एरिया को शांतिपूर्वक ढंग से कंट्रोल करना, तो जो अभी कर्फ्यू कल लगाया गया था उससे मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक स्थिति नियंत्रण में आ गई है। अब इसके बाद जो हमें पुलिस की कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई की जाएगी, जैसा मैंने बताया लोगों को चिन्हित किया जाएगा, और इनके खिलाफ सख्त से सख्त जो हमारा एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और मैं देखिए, नगर निगम और पुलिस की टीम हल्द्वानी में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद और मदरसे को तोड़ने के लिए बस पहुंची हुई थी। अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चल ही रहा था कि वहां पर रहने वाले लोग बुरी तरह से भड़क गए। ऐसा कोहराम उसके बाद मचाया गया कि पुलिस की जान पर यहां बनाई। बात तीखी बहसबाजी से शुरू हुई थी, पहले तो पुरुषों से लेकर के महिलाएं सभी पुलिस से उलझ पड़ी, लेकिन फिर मामला इतना बढ़ गया कि लोगों के सिर पर खून सवार हो गया। उन्होंने पुलिस की टीम के ऊपर ही अंधाधुंध पत्थर बरसाने तक शुरू कर दिया। उस समय की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। हल्द्वानी की गलियां
पत्थरों और ईंटों से पट गईं। अपनी जान बचाने के लिए पुलिस कर्मियों ने भी पत्थर उठा लिया और बाद में मजबूरी में लाठियां भी बांधनी पड़ी पुलिस कर्मियों को, और ये सबसे आखिरी रास्ता होता है पुलिस के पास। दीपक बिष्ट का एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं। दीपक, अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इतनी हिंसा के बाद भी भड़काऊ बयान दे रहे हैं। तौकीर रजा का बयान हमने सुनाया भी अभी दर्शकों को, जरा ये बताइए कि वहां पर जो मौलाना है, वहां पर जो लोग हैं, वो शांति की अपील क्या कर रहे हैं? देखिए, अभी तक जो हम गए थे, जो यहाँ पर जामा मस्जिद है वहाँ पर हम इमाम से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी वहाँ पर मिलने के लिए सामने नहीं आया और ना ही कोई मस्जिद से कोई ऐसा अनाउंस हुआ है और ना ही कोई मौलाना इस वक्त इस पूरे मसले पर बोलना चाहते हैं, क्योंकि हल्द्वानी में जो भी लोग हैं वो इस पूरे मसले पर बातचीत करने से कतरा रहे हैं। शायद जो कुछ कल हुआ है उसके बाद कई ऐसे लोगों के नाम सामने आ सकते हैं जो इस पूरे साजिश के पीछे हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर अभी फिलहाल कोई भी ऐसा पक्ष सामने नहीं आया जो इसे गलत ठहराए या फिर वो अपने को यहाँ पर पीड़ित बताए। तो कुल मिलाकर ये कहना होगा कि अभी जब जांच शुरू होगी तो पुलिस ने उन सभी से पूछताछ करनी है जो इस के दायरे में आएंगे, और इसके अलावा साथ ही वो लोग जो यहाँ पर लोगों को सपोर्ट करते नजर आ रहे थे उपद्रवियों को, उनको भी यहाँ पर घेराबंदी करके पकड़ने की तलाश में इस वक्त पुलिस जुट गई है। जी, जो लोग भड़काने की कोशिश कर रहे थे उपद्रवियों की, उनकी तलाश भी की जा रही है। आप बने रहिए दीपक मेरे साथ, लौटूंगी और आगे आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। लेकिन देखिए, हल्द्वानी हिंसा की पूरी साजिश का पर्दाफाश अब किया जा चुका है। मौके पर मौजूद चश्मदीदों ने बताया है, हिंसा के चश्मदीदों ने हिंसा की पूरी कहानी कैमरे के सामने आकर बयां की है। दिखाते हैं आपको ये सुपर एक्सक्लूसिव गवाही। जिस तरीके से नगर निगम के कर्मचारियों और प्रशासनिक अमला उस अवैध निर्माण को ध्वस्त करने पहुंचा था, तो उस दौरान कई लोगों के ऊपर हमला हुआ। ये सभी यहां पर मजदूर आपको जो दिखाई दे रहे हैं, कर्मचारी हैं नगर निगम के, ये सभी लोग पहुंचे थे उस अवैध निर्माण को हटाने के लिए। और उनकी तस्वीर आप देखिए, ये इनके किसी का सिर फूटा है, पत्थर मारे गए हैं, किसी के पैर हाथ पैरों में चोट है। ये देखिए, इस तरह से ये लोग यहाँ पर घायल हैं। इनके जो हेलमेट है उन पर भी यहाँ पर खून के निशान दिख सकते हैं आपको। ये चोट जो लगी है, इनसे पूछते हैं कैसे ये सब कुछ हुआ जा रहा है। कितने बजे गए थे आपको? सर 3:30 बजे करीब हम गए थे वहाँ पे, तभी से ही उन्होंने हम पर पथराव स्टार्ट कर दिया था वहीं से ही। हाँ। और पूरे कार्रवाई में हम लोग वहाँ अपनी कार्रवाई करने के लिए गए थे, अवैध निर्माण का ध्वस्त करने के लिए गए थे, तभी से उन्होंने पथराव कर दिया, हमें अंदर तक का जाने नहीं दे रहे थे और हमारी गाड़ियों में भी आग लगा दी सर, वहाँ निगम की गाड़ियों ही जला दी पूरी। कितने लोग गए थे यहाँ से जब लोग आप लोग? 150 लोग थे कर्मचारी हम जितने भी थे। हाँ। उसमें से कुछ लोग सर बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हैं, उनका तो कुछ पता नहीं है, सर हॉस्पिटल में भी एडमिट है अभी वो। जो आपके पत्थर लगा कितने बजे लगा था ये और कहाँ पर लगा ये? सर वहीं अंदर गली में उन लोगों ने घेर रखा था हमें। हाँ। काफी पुलिस वाले थे और हम लोग थे। हाँ। और ऊपर से गली में घेर के पूरे सब लोग ऊपर से पत्थर फेंक रहे थे सर, कोई बोतल कांच की बोतलें मार रहे थे, कोई पत्थर मार रहे थे सर। अच्छा, बड़ी मुश्किल से बच के आए थे सर। जब ये भीड़ बेकाबू हो रही थी तो क्या ये लोग विरोध कर रहे थे? क्योंकि वो तो कोर्ट का ऑर्डर था, वो तो अपने अल्लाह का नाम ले रहे थे। हाँ। इन्हें मारो 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 करके खत्म करो, इन्हें भगाओ इन्हें भगाओ। हाँ। साहब हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, हमें क्या पता था हमारे साथ ऐसा हो जाएगा करके। ऊपर से जब पत्थर आना, कितनी भीड़ रही होगी? लगभग 300-400 के लगभग मिनिमम इतना था एक गली में। अच्छा। अन्य जो उन्होंने लोग बुलाए थे कम से कम 10,000 के आसपास थे उनके लोग, सब तरफ से घेर रखा था, छतों में से बच्चे बूढ़े सब पत्थर बॉटल के बोतल उतर भर भर के फेंक फेंक मार रहे हम लोग। जैसे तैसे हम लोग अपने आपको बचा करके वहाँ से निकले हैं सर। ये टीम कितने बजे पहुंची थी? ये लोग हम लोग करीब 3:30-4 बजे लगभग पहुंच गए थे। और विरोध कब शुरू हो गया था? तुरंत ही हो गया था, पहुंचते ही 4:30 हो गया था। उन लोगों ने भगड़ा दगड़ी पत्थर 70 मारने शुरू कर दिया हम लोग की तरफ एकदम। प्रशासन तो लगातार अनाउंस भी कर रहा है। बिल्कुल, वो भी हम लोग को बहुत कोशिश कर बचाया, अपने आपको भी बचाया, लेकिन उन लोगों ने नहीं छोड़ा, उन लोगों पर भी पत्थर शुरू कर दिया।